Good afternoon, everyone. So open your notebook and copy down this objective in your notebook. Okay, so today we are going to move towards next formula of this chapter, that is midpoint formula and centroid formula. Okay, so let us see what is that formula exactly. Midpoint, as the name indicates itself, it is the middle wala point. Okay, so you to find it is used to find coordinates of the midpoint. Means suppose ये एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे पॉइंट ए है, बी है, इसके कोऑर्डिनेट है कुछ तो, और इसका जो भी मिड पॉइंट है सेंटर का, सपोज ये, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस मिड पॉइंट. ओके, बीचों बीच का पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे. सो टू फाइंड आउट दैट वी यूज मिड पॉइंट फार्मूला. ओके, सो लेट मी टेल यू द फार्मूला. So as we know that x1 y1 x2 y2, kya hai, so to find coordinate of midpoint, ye jo x coordinate hota hai midpoint ka, wo hota hai x1 plus x2 upon 2, and y coordinate is y1 plus y2 upon 2. Okay, सो इस वीडियो को स्टॉप करो एंड कॉपी डाउन दिस फॉर्मूला इन योर नोटबुक. ओके, सो लेट अस सी अ सम बेस्ड ऑन दिस मिड पॉइंट फॉर्मूला. तो सपोज यू आर आस्क्ड टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट. कोऑर्डिनेट मीन्स एक्स एंड वाई, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट. फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ, और आपको फिर एग्जाम्पल दिया है. सपोज ए है 2,3 एंड बी इज -3,5. ओके, तो एज वी ऑल नो कि सबसे पहले हमें उसके x1 y1 x2 y2, ये हमें डिनोट करने हैं. ओके, सो आई राइट ए एंड आई राइट बी. I denote it by x1, y1, x2, y2. Remember, यहाँ पे 1, 1 ही है, यहाँ पे 2, 2 ही है, यहाँ पे x है, y है, x है, y है. Okay, like that. Now, formula लिखो by midpoint formula. Yes. x इज इक्वल टू क्या होता है, यस, जो x कोऑर्डिनेट होते हैं उसको ऐड करके डिवाइड बाय 2, एंड y इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट को ऐड किया डिवाइड बाय 2. लेट अस पुट द वैल्यू. हमने यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू लिख के रखा है, वी विल टेक वैल्यूज फ्रॉम हियर. सो x1, यस इट इज 2, x2, यस इट इज -3. तो यहाँ पे प्लस माइनस ध्यान से करना है, ठीक है, घाई गड़बड़ नहीं करना है, नहीं तो रॉन्ग हो जाता है. प्लस माइनस माइनस, 2 - 3/2 इज इक्वल टू -1/2. तो एक्स का आंसर तो मिल गया, एक्स का वैल्यू है -1/2. सिमिलरली वी विल फाइंड वाई कोऑर्डिनेट, वाई इज इक्वल टू y1 + y2. तो y1 इज 3 प्लस y2 इज 5/2, 8/2. इसको अगर हमें डिवाइड करते आता है तो कर लेना है, ये 4. ओके, सो हाउ कैन आई राइट द आंसर फाइनली. देयरफॉर कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मीन्स एक्स एंड वाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आर, पहले एक्स का वैल्यू लिखो 1/2, कॉमा देन वाई का वैल्यू 4. नाउ इस वीडियो को स्टॉप करो और ये सम अपने नोटबुक में कॉपी करो, जूम करके भी आप देख सकते हो. ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट इज सेंट्रोइड फॉर्मूला. ओके, सो
like first let me tell you what is center. So suppose this is a triangle, इसका बीचों बीच का सेंटर का पॉइंट जो होता है मीन्स ऐसा पॉइंट जहाँ से ये तीनों वर्टाइसेस होते हैं वो सेम डिस्टेंस पे होने चाहिए मीन्स ये ये और ये मीन्स सपोज इट इज़ टू देन इट इज़ ऑल्सो टू सो दिस पॉइंट सेंट्रल पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंट्रोइड सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी ओके तो अभी मैं आपको एक और बात बता दूँ सपोज दिस कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज एक्स वन वाई वन बी के सपोज एक्स टू वाई टू है सी के सपोज एक्स थ्री वाई थ्री है ओके तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई ओके तो ये जस्ट मैंने क्लैरिफिकेशन के लिए दिया है नहीं समझ में आया फिर भी कोई बात नहीं इसका आप हम इसे बाजू में रखते हैं आपको मालूम हो कि सेंट्रोइड एक्चुअली क्या होता है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है तो सेंट्रोइड फॉर्मूला क्या है ये इम्पोर्टेंट बात हमें मालूम होनी चाहिए ओके तो सेंट्रोइड यानी जो सेंटर होता है ट्रायंगल का इसके कोऑर्डिनेट ओके तो उसका फॉर्मूला है एक्स एक्स जैसे मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या था कि हमने एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड किया डिवाइड बाई टू किया यहाँ पे भी एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करना है बट यहाँ पे तीन एक्स कोऑर्डिनेट है क्योंकि ये ट्रायंगल है तो तीन है तीनों वर्टाइसेस के तो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अभी ये दीज आर वन टू थ्री इन नंबर सो अपॉन में टू नहीं आएगा तो क्या आएगा हाँ थ्री आएगा तो दिस इज हाउ वी रिमेंबर दिस फॉर्मूला ऐसे अभी सिर्फ एक्स को वाई से रिप्लेस कर दो वाई का फॉर्मूला आ जाएगा वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन थ्री ओके अभी इस इसको वीडियो को स्टॉप करो और ये कॉपी कर दो अपने नोटबुक में ओके तो बिफोर यू मूव अहेड फॉर सेंट्रोइड फॉर्मूला मैं आपको ये बता दूँ ये मिड पॉइंट फार्मूला का सम है या आप आपके नोटबुक में पहले सॉल्व करो मिड पॉइंट फार्मूला देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट बोले तो मिड पॉइंट यहाँ पे मिड पॉइंट लिखा है ना इसलिए हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला ये आपके दो पॉइंट है इसको हमें एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू ऐसे डिनोट करके मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करना है मैं आपको और कुछ समझती हूँ मिड पॉइंट फार्मूला के लिए सपोज दीज आर फ्यू पॉइंट्स वेयर यू नीड टू फाइंड द मिड पॉइंट क्योंकि आपके नोटबुक में एग्जाम टेक्स्ट बुक में खाली एक ही सम है मिड पॉइंट पे दिस वन तो थोड़ा प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ये देती हूँ इस टाइप के सम ज़्यादातर एग्जाम में नहीं आते हैं मिड पॉइंट फार्मूला के अगर आया तो एक मार्क के लिए आ सकता है ठीक है फिर भी हम इजी है तो कोई दिक्कत नहीं है करने में करके रखना है ओके तो मैं आपको ये तीन एग्जाम्पल दे रही हूँ मिड पॉइंट फार्मूला पे दैट डज नॉट मीन कि ये नहीं आ सकता है ये भी आ सकता है एक आधा मार्क के लिए आ सकता है ओके तो चलो अभी सेंट्रोइड फार्मूला हम देख रहे थे तो या दिस इज़ द फार्मूला आई होप आपने ये कॉपी किया है आपके नोटबुक में चलो हम इसके ऊपर का एग्जांपल देखते तो एग्जांपल विल लुक लाइक दिस ये आपके नोटबुक में से है सॉरी टेक्स्ट बुक में से है दिस दिस एंड दिस ये इनडायरेक्ट टाइप के है मीन्स पहले आप ये तीन सॉल्व कर लो ये आप ट्राई कर सकते हो ये तीन ठीक है अगर नहीं आ रहे तो मैं बता देती हूँ क्योंकि ये थोड़े ट्रिकी है इजी है बट ट्रिकी है ओके तो चलो सेंट्रोइड फार्मूला एक एग्जांपल बताती हूँ सपोज़
क्वेश्चन है फाइंड सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल. एक ट्रायंगल के सेंट्रॉइड आपको फाइंड आउट करने हैं जिसके वर्टाइसेस हैं. वर्टाइसेस आर सपोज ए बी एंड सी. ठीक है, तो पहले हम पॉइंट लिख लेते हैं. कभी कभी ये ए बी सी लिखते नहीं है, डायरेक्ट पॉइंट दे देते हैं. ओके, तो हम उसे डिनोट भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट, अदरवाइज लेट इट. तो बी माइनस वन वन एंड सी थ्री कॉमा फाइव. सो दिस इज़ माय एक्स वन वाई वन. ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है. ओके, सो दिस इज एक्स वन वाई वन, दिस इज एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री. ठीक है, ध्यान में रखना है ये पहले वन वन है, बाद में टू टू है, बाद में थ्री थ्री है, पहले एक्स है, बाद में वाई है. ओके, तो ये बात ध्यान में रखना है. चलो निकालते हैं सेंट्रॉइड बाई सेंट्रॉइड फार्मूला. यू मस्ट कॉपी द फार्मूला. ओके, क्योंकि फार्मूला नहीं लिखा तो आधा मार्क कट हो जाएगा. तो एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री, एंड वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन थ्री. चलो सॉल्व करते हैं. पुट द वैल्यूज. एक्स इज इक्वल टू, अभी मैं यहाँ से वैल्यू ले रही हूँ, ठीक है, आप देखते जाना. एक्स वन टू, एक्स टू माइनस वन प्लस एक्स थ्री थ्री अपॉन थ्री. अभी इसे सॉल्व करो अच्छे से. ओके, तो ये टू प्लस माइनस माइनस कर दो. ये लिखना ज़रूरी है, ओरली मत करो नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, ओरली मत करो. नाउ सॉलिड, टू माइनस वन इज वन, ये रफ में करो. ठीक है, टू माइनस वन इज वन, इसे हम रफ में कर रहे हैं. वन और ये थ्री, यानी ये हो गया फोर. ओके, तो आंसर आ गया फोर बाई थ्री. सो वैल्यू ऑफ एक्स इज फोर बाई थ्री. अभी वाई निकालेंगे. तो वाई इज इक्वल टू वाई वन क्या है, थ्री वाई टू वन एंड वाई थ्री फाइव. प्लस माइनस देख के आपको अच्छे से करना है. ये आ जाएगा नाइन अपॉन थ्री, यानी थ्री थ्री से डिवाइड किया तो थ्री. ओके, सो फाइनली यू शुड राइट देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड और सेंट्रॉइड आर और सेंट्रॉइड इज. एक्स का वैल्यू लिखो फोर बाई थ्री, वाई का वैल्यू लिखो थ्री. बस हो गया. ठीक है, ईजी है ना. चलो अपने नोटबुक में लिखो, कॉपी करो. स्टॉप दिस वीडियो एंड कॉपी इन नोटबुक. ओके, तो अभी आप ये तीन सम कर लो. फिलहाल आप ये तीन सम कर लो अपने नोटबुक में. ये मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, डोंट वरी. ठीक है, डोंट डू दिस राइट नाउ. अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, इसके लिए मैंने ये रखा है. ओके, चलो बाय चिल्ड्रन.